हमें शब्द भेदी बाण चलाने की कला रहती थी। एक दिन हम शिकार को गए, पुत्र श्रवण प्यास से गला सूख रहा है बेटा, थोड़ा जल पिलवा दे। जी पिताजी। बेटा श्रवण जी, पिताजी के लिए कहीं से इस कमंडल में जल भर ला। अरे सुनो बेटा। जी पिताजी। बेटा शीघ्र आना। बेटा देर मत करना। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जल लेकर आता हूं। ऐसा लगता है सरयू घाट पर कोई हिंसक पशु जल पीने आया है। यदि इसका शीघ्र वध न किया गया तो यह नगर में प्रवेश कर प्रजा को हानि पहुंचा सकता है। माता जी, पिता जी, हे भगवान, किसने मुझे तीर मारा? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे वीर पुरुष, कौन हो तुम जिसने मुझ जैसे निरपराध की हत्या की? मुनि कुमार, मैं निर्दोष हूं। निर्दोष? निरपराध को मारकर निर्दोष बनता है? यह सब भूल से हुआ। रघुवंशी तो स्वप्न में भी किसी निर्दोष पर प्रहार नहीं करते। रघुवंशी? हाँ, दशरथ अयोध्या का युवराज। युवराज होकर भी तुमने ऐसा पाप किया? मेरे इस पाप का क्या प्रायश्चित होगा? मैं अपने प्राण देकर भी तुम्हारे प्राण की रक्षा करने तैयार हूँ। व्यर्थ युवराज, व्यर्थ। तुमने आज एक बाण से तीन तीन हत्याएं की। मेरे माता पिता वृद्ध दुर्बल और अंधे, मैं उनके लिए यहां पर जल लेने आया था। वो अभागे मेरी प्रतीक्षा में अधीर हो रहे होंगे। हे भगवान, मैं अपने माता पिता के सुख कंठ में जल पहुंचा सकता। मुझे क्षमा कर दो। युवराज, तुम शीघ्र अभी मेरे पिताजी के पास जाओ और अपने मुंह से अपना अपराध स्वीकार करो। शायद वो इसको मैं क्षमा कर दे, अन्यथा अन्यथा उनकी क्रोध की अग्नि में जलकर तुम भस्म हो जाओगे। युवराज, तुम्हें मेरी शपथ है, युवराज, उन्हें यह जल अवश्य पिला देना। उन्हें यह जल अवश्य पिला देना। हाँ हाँ, अवश्य। ये कैसा अनर्थ हो गया? स्वामी। बोलो ज्ञानवती। श्रवण अभी तक नहीं आया। बेचारा जल की तलाश में कहीं भटक रहा हो। पता नहीं, मेरे मन में बड़ी बेचैनी और घबराहट हो रही है। ज्ञानवती, तुम व्यर्थ चिंता ना करो, हमारा श्रवण आता ही होगा। लगता है श्रवण आ गया। बेटा आ गए तुम। तुम्हें आने में देर हो गई,
जानता है तुम्हारी माता तुम्हारी चिंता करने लगी। मैंने उनसे कहा कि सरयू में स्नान कर रहा होगा, इसलिए दे दूंगी ना बेटा। हम दोनों में से कोई भी तुमसे कुछ नहीं कहेगा। अरे देर हो गई तो हो जाने दे। तू तो बेटा हम दो निराधार निर्बल जीवों का जीवन आधार है। हम अंधों की आंख है, इन दुर्बल हाथों की लाठी है बेटा। ला अपने हाथों से जल पिलाकर हमारी आत्मा को शीतल कर दे बेटा। अरे नहीं नहीं, पहले अपने पिताजी को पिला। हमारे बेटे श्रवण नहीं। आपने ठीक कहा महात्मन, मैं आपका पुत्र नहीं। कौन हो तुम? मैं अयोध्या नरेश का पुत्र दशरथ हूँ। हमारा पुत्र श्रवण कहाँ है? आप जल ग्रहण कर लीजिए, उसी ने भेजा है। नहीं, हम जल केवल उसी के हाथों ग्रहण करेंगे। जाओ बेटा, मेरा श्रवण जहाँ कहीं भी हो उसे ढूंढ कर लाओ। जाओ जाओ बेटा। अब ये असंभव है माता, श्रवण चला गया। क्या चला गया? लेकिन कहाँ? नहीं, ये झूठ है। उसे यदि स्वर्ग भी मिले तब भी वो हम दोनों को हजार छोड़कर नहीं जा सकता। परंतु अब वह सचमुच ही स्वर्ग चला गया है, ये मेरी ही भूल का परिणाम है। कमंडल से जल भरने की आवाज को इन सब पशु के जल पीने की आवाज समझकर मैंने अज्ञानतावश शब्द भेदी बाण चला दिया है, जो आपके पुत्र को लगा और वह स्वर्ग से धार गया। नहीं, नहीं, मेरा बेटा ऐसे नहीं जा सकता। आप थोड़ा जल पी लें, यही अंतिम इच्छा थी श्रवण की। अरे हत्यारे, तू क्या जल पिलाएगा? जल तो केवल पुत्र पिलाता है, जन्म में और मरण में। श्रवण मेरे लाल, मुझे छोड़कर बस जा मेरे लाल पुत्र श्रवण। क्षमा क्षमा मुनिवर क्षमा, तुझे जवाब कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं। हे युवराज, अब हमें उस स्थान पर ले चलो जहां हमारे पुत्र का मृत शरीर है। हम अपने आज्ञाकारी पुत्र का स्पर्श करना चाहते हैं। चलो कैनवती, चलो हम पुत्र का स्पर्श करेंगे। शिवराज चलो 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 खिलाएगा बेटा। पुत्र श्रवण, तुम यमराज के घर अकेले ना जाओ। तुम्हारे बिना बेटे हम जी नहीं पाएंगे। पुत्र हम दोनों
तुम्हारे साथ चलकर यमराज जी से हाथ जोड़कर कहेंगे कहेंगे कि हमारे पुत्र चरण को अपने पास ना रखो, मत रखो अपने पास। ये अपने माता पिता का सच्चा भक्त है, उनकी उनकी आज्ञा का पालन करता है, उनका कहा मानता है। हाँ बेटा, धर्मराज बड़े धर्मात्मा है, अवश्य तुम्हें हमें दान देंगे बेटा। तुम निष्पाप हो मेरे बेटा, तुम निष्पाप हो। श्रवण, मैं भी तेरे से आधारित हूँ बेटा, मैं भी ग्यारहवती तुम बोलती क्यों नहीं ग्यारहवती तुम बोलती क्यों नहीं ग्यारहवती मेरे नाम एक और हत्या हत्या है। तूने एक बार से तीन तीन हत्या की है। मैं अकेला जी कर भी क्या करूंगा। युवराज मुझे भी मारा, परंतु शिवराज तूने अज्ञान से मेरे पुत्र को मारा है, इसलिए तुझे अतीतारू श्राप देता हूं। अतीतारू श्राप देता हूं कि जिस तरह पुत्र वियोग में थप थप कर मैं मर रहा हूं, उसी तरह थप थप कर तू भी मरे। पुत्र वियोग में थप थप कर तू भी मरे, तू भी मरे। मैं हरा हूं। सरमन रही मुई माता भी लागी, सरमन रही मुई माता कांवरी लागी। तुम बिना पानी न पिए दशरथ लावे न आगी, कबीरा दशरथ लावे।